तो आखिरकार फरार सपा विधायक और अखिलेश यादव के करीबी जाहिद बेग का बेटा कहाँ है, ये पता चल ही गया। दरअसल आरोप लगे थे कि जाहिद बेग के बेटे को पूछताछ के लिए पुलिस उठा ले गई थी। इसके बाद ना तो जाहिद बेग की बेटे की गिरफ्तारी दिखाई गई, ना ही पुलिस की ओर से सपा विधायक के बेटे जयीम बेग की कोई जानकारी दी गई। जिसके बाद सपा नेता खोल देते हैं मोर्चा, हो जाता है सपा नेताओं का हल्ला बोल। तो अचानक कल शाम तक पुलिस जयीम बेग की गिरफ्तारी दिखाकर उसे कोर्ट में पेश करती है और जयीम को जेल भेज दिया जाता है। दरअसल 9 सितंबर को जाहिद बेग के यहाँ काम करने वाली लड़की की डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में मिली थी। वो जाहिद बेग के यहाँ 6 से 7 साल से काम कर रही थी। बकौल पुलिस वो लड़की 17 साल की थी, यानी कि विधायक पर बाल श्रम करवाने का सवाल उठा था। यूपी तक ने भी ये सवाल उठाया था। इधर ये सवाल उठते हैं, उधर पहुंच जाती एक टीम छापा मारने और हो जाता है बड़ा एक्शन। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पाया कि विधायक के घर पर एक और नाबालिग लड़की से बाल श्रम करवाया जा रहा है। पुलिस के साथ श्रम विभाग की टीम ने छापेमारी कर इस लड़की को मुक्त करवाया। पुलिस के मुताबिक मुक्त हुई लड़की ने ये बताया कि मृतक नाजिया घर के काम से परेशान थी, वो भागना चाहती थी। जांच में ये भी सामने आया कि नाजिया को विधायक और उनकी पत्नी गलत तरीके से ट्रीट करते थे और इसी के आधार पर पुलिस ने मृतक नाजिया की मौत के मामले में सपा विधायक और उनकी पत्नी को आरोपी बनाया, जिसके बाद सपा विधायक पत्नी के साथ फरार हैं। तो वहीं इस मामले में 15 सितंबर को विधायक के घर पहुंची थी पुलिस पूछताछ के लिए और पूछताछ के नाम पर पुलिस सपा विधायक के लड़के को अपने साथ ले गई। उसी प्रकरण में राजनीतिक दबाववश ये 3 दिन से विधायक पुत्र को इन्होंने रखा था अपने पास और बराबर ये स्टेटमेंट आता रहा कि मैंने छोड़ दिया है। आज एक प्रतिनिधि मंडल ADG वाराणसी से मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये सुरक्षित लड़का है और पहुँच जाएगा। उसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की, आज 4 बजे इसको ज्ञानपुर न्यायालय में प्रस्तुत करके रिमांड लिया है। क्या इसमें न्यायालय ने टिप्पणी की है? क्या न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है, न्यायालय ने सिंपली इनको जेल भेजने के लिए रिमांड दिया है। अब ये बाद में देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आएंगे, चूँकि काफ़ी इसमें घेर मार थी पुलिस की और प्रशासन का पहरा था, इसलिए बहुत सी बातें बाहर नहीं निकल पाई हैं। लेकिन ये राजनीतिक तौर पर बिना किसी साक्ष्य के, क्योंकि ये FIR में नामजद नहीं है और अभी तक उस पीड़िता लड़की का बयान भी 164 का न्यायालय में नहीं कराया गया, जिसके आधार पर ये मुकदमा कायम कराया SI ने। जाहिद बेग के वकील, सपा के नेता, समर्थक सब एक सुर में इसे बड़ी साजिश बता रहे हैं। इसी घटना को लेकर वाराणसी में ADG जोन से मिलने MLC सपा नेता आशुतोष सिन्हा पहुंचे थे और पुलिस प्रशासन के आदेश पर विद्वेष की कार्रवाई का एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया था। साथ ही आशुतोष सिन्हा ने चेतावनी दी थी कि अगर जाहिद बेग के परिवार के साथ कुछ अनहोनी होती है तो समाजवादी पार्टी ईंट का जवाब पत्थर से देगी। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस एकदम अनियंत्रित हो गई है और ये जितना भी बयान उस बच्ची दे रही है वो तो पुलिस के दबाव में दिलवाया जा रहा है और पुलिस जबरदस्ती उसे दबाव बनाकर इस तरह के बयान जो है कराने का काम कर रही है। जाहिद बेग उनकी पत्नी इस समय कहाँ है और क्या आशंका है उनके बेटे के साथ किसी तरह की अनहोनी हो सकती है? देखिए, हमें उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है और जाहिद बेग जी और उनकी पत्नी को भी हो सकता है कि पुलिस कहीं अब गिरफ्तार करके रखा हो, हम लोगों को इसकी भी जानकारी नहीं है। उनके बेटे की गिरफ्तारी हमारे पार्टी के नेताओं के सामने हुई है और अभी तक बरामदगी नहीं हुई, वो वापस नहीं आए और पुलिस बार बार कह रही है कि हमने उनको छोड़ दिया है। तो ये विषय बहुत गंभीर है और कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे, पुलिस की मंशा पे प्रश्न लगाने वाला ये विषय है, इसलिए इसको लेकर समाजवादी पार्टी लामबंद है और साथ खड़ी दिखेगी आपको। ऐसा सुनने में आ रहा था कि उनके एनकाउंटर की भी आशंका जताई जा रही थी, जो बेटे है कुछ अनहोनी हो सकती है। नहीं, ऐसी आशंका हमें तो नहीं है, लेकिन अगर पुलिस अगर ऐसा कुछ सोचेगी भी तो इतिहास में दर्ज होगा ये विषय कि जो घटना पुलिस कर रही है सड़कों से लेकर सदन तक और न्यायालय तक मजबूती समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ने का काम करेगा इनके खिलाफ और इनके खिलाफ जो है इनको ईंट का जवाब पत्थर देने का काम करेगा। आपको बता दें कि जाहिद बेग 2017 में भदोही सदर से विधायक बने थे, बाद में 2022 में इनको हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि सपा विधायक जाहिद बेग सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के एकदम खासम खास माने जाते हैं। ये विधायक अपने तेवर और कलेवर के लिए खूब चर्चा में भी रहे हैं, कभी साइकिल से विधानसभा पहुंचने को लेकर तो कभी योगी सरकार को घेरने के लिए NCRB का डेटा सीने पर चस्पा करके पहुंचने को लेकर। लेकिन अब जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जाहिद बेग के बेटे को पहले जिस तरह से पुलिस उठाकर ले गई और अब जाकर गिरफ्तारी दिखाई है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ भदोही से महेश जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।